हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10 to 12 मॉइस्चराइजर्स के बारे में जो इन दिनों मेरे साथ हैं, मैं जिन्हें यूज़ कर रही हूँ। एंड इट्स अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ माय मॉइस्चराइजर सो आई एम शेयरिंग विथ यू, क्योंकि ना मैं ये बता दूँ कि वैसे तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स आई डू हैव, बट क्या है ना कि अभी बहुत सारे फिनिश भी हो गए हैं, तो जो बचे हुए हैं या फिर जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ, जो अभी मेरे पास है वो सारे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें ये एक्वालॉजिका के बॉक्स में सारे रखे हुए हैं, तो इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मॉइस्चराइजर्स आई हैव, सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल। सो फटाफट से बात करते हैं। द फर्स्ट टू मॉइस्चराइजर्स, दिस टू मॉइस्चराइजर्स, ओ माय गॉड दे आर एक्सट्रीमली गुड मॉइस्चराइजर्स। आई हैव दिस नुआ ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर इफ यू आर एक्ने प्रोन स्किन एंड इफ यू आर अ सेंसिटिव गाय, तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये मॉइस्चराइजर। जेल कंसिस्टेंसी में होती है, बहुत ही मतलब लोशन टाइप के फॉर्मुलेशन में होती है, थिक क्रीम नहीं होती है, बहुत मज़ेदार मॉइस्चराइजर, बहुत से डू ट्राई लाइक मतलब इफ़ यू वांट टू। नेक्स्ट आई हैव इस सेवा मेड की मॉइस्चराइज़र, मुझे ये भी बहुत ही पसंद है, बहुत हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है और बहुत ही ज़्यादा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर एक्ने प्रोन स्किन। और जो मॉइस्चराइज़र मेरे पास ये ख़त्म की है मैंने, अभी आप देख रहे हो एकदम से ख़त्म होने वाली है, मूजी की मॉइस्चराइज़र है ये, मॉइस्चराइजिंग मिल्क लाइट फार्मूला फ्रॉम मूजी। ये एक जापानीज़ बेस्ड मॉइस्चराइज़र, वन ऑफ द प्लेन सिंपल बेस्ट मॉइस्चराइज़र आई एवर हैव। और तो द नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस मिनिमलिस्ट की मॉइस्चराइज़र, बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिए। और मॉइस्चराइज़र है ये रीक्विल की मॉइस्चराइज़र, वन ऑफ दी माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र। ओ माई गॉड, इसमें हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें गाइज। इसके भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, डू चेक प्लीज़। और ये है सिक्सडर्मा की मॉइस्चराइज़र, मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ और एक कंपेयर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। माय गॉड, इन दोनों की फॉर्मुलेशन काइंड ऑफ सेम ही है और बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र, प्राइस के भी सेम काइंड ऑफ 300-340 के रेंज में ये दोनों आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉइस्चराइज़र्स हैं। एंड दी नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र आई वांट टू टॉक अबाउट, बहुत ही खूबसूरत, कुछ डिफरेंट ये मॉइस्चराइज़र, ये है इट्स स्किन की मॉइस्चराइज़र, ये है कोलेजन न्यूट्रियम क्रीम, ये एक कोलेजन बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ कोलेजन है और ये वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी स्किन डल है, टेक्सचर है, ओवरली एजिंग हो रही है और काइंड ऑफ एज टाइप स्किन दिख रही है, मैच्योर स्किन है ना, प्लीज़ डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, दिस ऑसम ऑसम प्रोडक्ट। इसका मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी, वन ऑफ द बेस्ट मतलब फार्मूला और बहुत ही खूबसूरत कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही खूबसूरत। मैंने 2 इसके ख़त्म कर दिए हैं, ये आप देखो कितनी मूसी टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी, एकदम मूसी टाइप की क्रीम है ये और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से स्किन में ऑब्जर्व होती है और सारे स्किन टाइप को सूट करती है, बहुत खूबसूरत मॉइस्चराइजर है। डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप शायद मैंने कल भी रखा है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टैग की मॉइस्चराइजर, रिसेंटली ही मैंने इसको रिव्यू किया है अपने चैनल पर, आप चाहो तो देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट जेंटल मॉइस्चराइजर और गिल्टी फ्री, वीगन फ्री एंड नाइसली फॉर्मुलेटेड। डर्माको की मॉइस्चराइज़र, बहुत ही खूबसूरत मॉइस्चराइज़र, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। एरुल की मॉइस्चराइज़र, इसको भी मैंने रिव्यू कर रखा है, ये वाटरमेलन बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, अगर आपको चाहिए तो एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है केमिस्ट एट प्ले की 2% पेंटावीन, सैलिसिलिक एसिड, जिंक, PCA फेस मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट सूटेड है फॉर एक्ने प्रोन और किसी तरह का आपको टेक्सचर हो रहा हो, किसी तरह की एलर्जी हो गई, रोजेशिया वगैरह हो रहा हो, स्किन में बर्निंग हो, मतलब स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो एक्ने से रिलेटेड, या इचीनेस वगैरह जो भी इरिटेंट स्किन दिख रहा हो और स्किन में मतलब कुछ एलर्जीज टाइप का कुछ भी हुआ हो ना, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे से आपके स्किन को जेंटली ठीक करेगा, हील अप करेगा। वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर इरिटेंट स्किन, आप ऐसा कह सकते हो। फॉक्सटेल की मॉइस्चराइज़र, ओ माय गॉड, दिस इज सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत जेंटल मॉइस्चराइज़र। आई हैव रिव्यूड दिस ऑन माय चैनल, ज़रूर जाके देखिए, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेरा मॉइस्चराइज़र का पसंद आया होगा और आपको इसमें से अपना मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।